आप लोगों ने हमारे कश्मीर में बहुत सारे प्लेयर्स को देखा होगा, एथलीट्स को देखा होगा, मार्शल आर्ट प्लेयर्स को देखा होगा, लेकिन जो हमारे कश्मीर में बॉक्सर्स हैं वो कुछ गिने चुने नहीं हैं। उनमें से मैं एक हूँ, फर्स्ट साउथ कश्मीर फीमेल बॉक्सर। तारुक ओपन माइक स्टोरीज दैट इंस्पायर सीजन टू। अस्सलाम वालेकुम, ऐशारिया मंजूर निहमा पुलवामा से। मेरी जो जर्नी है वो 2018 से शुरू हुई। उस वक्त मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस करने जाती थी इंडोर स्टेडियम में, लेकिन मेरा जो जहन है वो बॉक्सिंग गेम की ओर चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि बॉक्सिंग गेम को लेके आगे क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। तो मैं 6 महीने बॉक्सिंग गेम की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करती रही इंडोर स्टेडियम में। जबकि हमारे कॉम्पिटिशन शुरू होने लगे, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आई मूवमेंट ऑर्डर के लिए, क्योंकि हर एक एथलीट को जब कहीं जाना पड़ता है तो उसके साथ उसका मूवमेंट ऑर्डर ज़रूरी होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वहाँ पे हर किसी ने मुझे बोला कि हम आपको मूवमेंट ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोच है नहीं इसके लिए, किसी ने एफिलिएशन नहीं ली है। तो उसके बाद मैंने अपनी जो अपना जो बॉक्सिंग है वो छोड़ा नहीं, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरा चैम्पियनशिप जब शुरू होने वाला था, तो फिर से जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आई मूवमेंट ऑर्डर के लिए, तो उन लोगों ने मुझे उस वक्त बोला कि ठीक है, हम आपको कल मूवमेंट ऑर्डर 10 बजे देंगे, क्योंकि सारा जो टीम है वो 6 बजे निकला था। मुझे बोला गया कि 10 बजे देंगे, तो मैं तब भी पैकिंग वैकिंग सब कुछ करके मैं रखी थी, तो मैं 10 बजे गई वहाँ पे, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ से फिर से वापस भेज दिया, बोला कि हम आपको यहाँ से मूवमेंट ऑर्डर नहीं दे सकते फिर से। तो उसके बाद कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस फिर से करती रही मतलब बॉक्सिंग गेम की। लेकिन जब 3 साल भी ऐसे ही चले गए, तो उस वक्त 3 साल बाद भी मुझे कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक नोटिफिकेशन पाई बॉक्सिंग यूटी जम्मू में होने वाला है, तो मैं विदाउट एनी परमिशन खुद ही अकेले होके जम्मू चली गई चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन जब मैंने वहाँ पे खेला तो माशाल्लाह मेरा वहाँ से मेडल आया। तो फिर वहाँ से आके मैं जब अपने डिस्ट्रिक्ट आई, तो उस वक्त भी किसी का कोई रेस्पॉन्ड नहीं रहा कि इसने यूटी से इसने मेडल हासिल किया तो मतलब अप्रिसिएशन देनी चाहिए, तो उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगले साल जब फिर से चैम्पियनशिप होने वाली थी यूटी की, मैं फिर से चली गई कॉम्पीट खुद ही देने, मतलब दूसरे अपोनेंट्स को वहाँ पे। तो उस वक्त भी मेरा वहाँ से मेडल अच्छे से आ गया। कोई भी जब बॉक्सिंग गेम को देखता है तो उनको लगता है कि इनको खाली हाथ मतलब इसमें यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। खासकर इसमें फुट स्टेप्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जब भी हमें पंच मारना पड़ता है तो हमें हिप भी रोटेट करना पड़ता है, मतलब ये चीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेक्निक्स दिखाऊँ बॉक्सिंग की, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे क्या करना होता है। जो सबसे पहले हम मारते हैं जैब पंच जो होता है, ये हमेशा हम डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें जब क्रॉस वाला पंच मारते हैं तो उसमें हमारी जो राइट फुट है वो भी रोटेट होता है और हिप के साथ। उसके बाद जो अपर कट और क्रॉस पंच होता है वो हम हमेशा नॉकआउट के लिए मतलब यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको ये पंच दिखाए, ये दिखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निक्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये जैब, क्रॉस, हुक, अपर कट, ये कैसे मारने पड़ते हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। ये बॉक्सिंग गेम मैंने चूज़ क्यों की, मैंने इसलिए क्योंकि लड़कियों को अगर देखा जाए तो फीमेल जेंडर को मतलब बहुत कम दर्जे से देखा जाता है। तो अगर किसी लड़की को कोई जोर आवाज़ मतलब ज़ोर से बात करता है तो वो रोने लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह मतलब दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम यहाँ पे इतना मार खा के भी, खून बहा कर भी, हम मतलब फिर से वही होते हैं। अब मैं आपको सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सिखाती हूँ। अगर किसी ने किसी पे कोई अंडर अटैक है, उसने उसको गला पकड़ा, तो उसमें क्या करना है, जो उसके जो दोनों हाथ हैं, एक हाथ के ऊपर से अपना बाजू लगाना है, यहाँ से मतलब ऐसे करना है, तो फिर उसको धक्का देना है। जब वो धक्के के साथ वहाँ जाएगा, उसके बाद हमें किक स्लैप वाली मारनी है फेस पे, वो नीचे गिर जाएगा। और अगर किसी ने कोई अंडर अटैक है, उसने उसको दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ हम कैसे छोड़े, तो हम उसने हमारा हाथ दोनों पकड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे लेना है खुद का, तो जो हमारी टांग है वो उसको पीछे से ऐसे धकेलनी है और उसको नीचे मतलब नीचे गिराना है, जो ये है, और कोन मारना है उसके मुंह पे। जब कोई अंडर अटैक होता है
वो तो कोई बंदा आ जाता है उसको कॉलर मतलब पकड़ने के दोनों हाथों से, वो जब ऐसे आता है तो हमें इसका सेल्फ डिफेंस दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है, तो यहाँ से हम उसको थ्रस्ट किक मार सकते हैं तो वो पीछे गिर जाएगा। तो कि कोई ऐसे कोई बैक से अटैक करता है किसी का, ऐसे मतलब कमर पकड़ता है, तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे छुड़ा सकते हैं? अपने जो हमें दोनों टांगे हैं वो खुद की फैलानी है, उसको नीचे से ही घसीटना है। खासकर जो लड़कियों के बाल होते हैं, मतलब कोई किसी लड़की के बाल पकड़ता है तो हमें उस टाइम कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? जो ये वाला हाथ है ये हमें बाजू के नीचे से लगाना है, फिर ऊपर करके उसको यहाँ पे जो अटैकर होता है उसका जो ये वो उधर ही लॉक हो जाता है, तो वो उधर ही हमें बाल छोड़ देगा फिर। तो ये थे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब ही है कि खुद को खुद की बॉडी को हथियार जैसे बनाना। तो हमें सेल्फ डिफेंस इसीलिए ज़रूरी है हर एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो अपने जान की हिफाजत खुद कर सके, मतलब उसको हथियार, क्योंकि अगर किसी के किसी को कहीं पे भी अटैक होता है तो उस एट अ टाइम उसके पास हथियार कोई नहीं होगा, वेपन उसके पास तो होगा नहीं, इसीलिए उसको चाहिए कि वो अपने जो उसके हाथ है उनको ही मतलब उस टाइम यूज़ करे एज ए वेपन। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं हर टाइम पे, अप डाउन के टाइम पे भी, क्योंकि एक मेरी फैमिली ही है जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट हमेशा रखा, कभी छोड़ा नहीं। क्योंकि शायद अगर मेरी फैमिली मेरा मेरा सपोर्ट नहीं रहती शायद कि मैं आगे नहीं बढ़ती, इसीलिए फैमिली का सपोर्ट हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। मैं यही चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को पेरेंट्स उनको उस फील्ड में छोड़े जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहे। मैं हर एक लड़की को यही बोलना चाहती हूँ कि यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वो मार्शल आर्ट्स को प्रोफेशन ना हो के ना ले लेकिन पेशन हो के ना ले, बस अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ले, अपनी हिफाजत के लिए ले सकते हैं। और हर एक पेरेंट से ये गुजारिश है कि वो अपने जो इनके बच्चे हैं उनको मतलब जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए भेजे, मतलब बहुत सारी एकेडमीज लगी हैं, मतलब जो सिखाने को है वहाँ पे कोच लगे हैं उनके पास, उनको भेजे सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर हम एक विनर के पास जाए एक लूज़र के पास भी जाए, एक लूज़र के पास हज़ारों वजह होती है करने की, एक वजह होती है ना करने की और वो नहीं करता। लेकिन अगर हम एक विनर के पास जाए उसके पास हज़ारों वजह होती है ना करने की, एक वजह होती है करने की और वो कर जाता है, इसीलिए हमें विनर बनने की कोशिश हर बार करनी चाहिए। शुक्रिया।